हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम। मैं आपको आज ओपन ऑफिस राइटर के अंदर कैसे टेक्स्ट को हम फॉर्मेट करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले आप अपना ओपन ऑफिस ओपन करें। ये मेरा ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी ओपन हो गया। यहाँ पे देखें, वेलकम टू ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी का पैलेट है। यहाँ पे देखें, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ये वर्ड प्रोसेसर का राइटर पैकेज है, इस पर मैंने क्लिक किया, ये ओपन हो गया। देखिए सबसे पहले अनटाइटल का देख सकते हैं आप। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आएगा उसके यहाँ पे देखें, डॉक्यूमेंट पेज में यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ से हम टाइप कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं टाइपिंग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम टेक्स्ट टाइप करेंगे। मैंने टाइप किया, मैंने टाइप कर दिया, एक सेंटेंस टाइप किया था, क्विक ब्राउन फॉक्स। अब इस टेक्स्ट को हमें फॉर्मेट करना है। मतलब फॉर्मेटिंग का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट को साइज इंक्रीज करना, उसका फॉन्ट चेंज करना, उसे अंडरलाइन करना करना, उसका कलर चेंज करना। ये मैं आपको बताऊंगा ओपन ऑफिस राइटर के अंदर। तो बाय डिफॉल्ट अनटाइटल वन पेज रहता है। उसके बाद टाइटल, ये जो टाइटल बार है उसके ठीक नीचे आएंगे, यहाँ पे देखें मेन्यू बार है, उसके बाद स्टैंडर्ड टूल बार है, उसके बाद ये फॉर्मेटिंग टूल बार है। यहाँ देख सकते हैं टाइम्स न्यू रोमन है, यहाँ पे फॉन्ट साइज 12 है, बोल्ड इटैलिक, ये आपका फॉर्मेटिंग टूल बार है। अब सपोज़ अगर जब आप ओपन करते हैं, ये अगर नहीं है तो कैसे लाएंगे, ये मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इसे मैं ऑफ़ कर देता हूँ। तो व्यू में जाएँ, मेनू बार में फाइल एडिट, उसके बाद व्यू में जाएँ, यहाँ पर देखें टूल बार्स, यहाँ पे देखें जो ऑन है उसमें टिक मार्क होगा, यहाँ पे देखें फॉर्मेटिंग में टिक मार्क है, इस पर मैं इसे ऑफ़ कर देता हूँ। तो देखें अब यहाँ से चला गया मेरा, यहाँ पे फॉर्मेटिंग बार नहीं है। अगर नहीं है तो फिर कैसे लाते हैं, व्यू में जाएं, टूल बार में आएँ, उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे देखें फॉर्मेटिंग लिखा होगा, इस पर आप क्लिक कर दें, ये मेरा फॉर्मेटिंग टूल बार आ गया। अब जो मैंने टेक्स्ट टाइप किया है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि फॉर्मेटिंग टूल बार के माध्यम से हम कैसे किसी भी टेक्स्ट का साइज़ कैसे इंक्रीज़ करेंगे, कैसे बोल्ड करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले किसी भी टेक्स्ट के ऊपर किसी तरह का चेंजेस लाने के लिए उसे सिलेक्ट करना पड़ता है। तो मैंने ये टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अभी जो हम लोग फॉन्ट इस्तेमाल करते हैं, फॉन्ट मीन्स होता है जो लिखावट है, उसको अलग अलग डिज़ाइन कैसे दे सकते हैं। यहाँ पर अभी जो हम लोग यूज़ किए हैं टाइम्स न्यू रोमन, अब यहाँ पे अगर चेंज करना है तो इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद देखें यहाँ डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स हैं, आप कोई सा भी सुंदर सा फॉन्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वैग राउंडेड बीटी में इस्तेमाल किया, ये देखिए फॉन्ट चेंज हो गया, ये भी पसंद नहीं है। फिर अगेन जाएँ, यहाँ पर एरियल ब्लैक कर दें, नीचे आएँ, एरियल ब्लैक कर दिया। अब उसके बगल में देखें यहाँ पर फॉन्ट साइज है, आप ये काला नुमा बटन है इस पर क्लिक करें, अब यहाँ से साइज आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने साइज़ चेंज किया 22, ये देखिए फॉन्ट का साइज ज़रा इंक्रीज़ हो गया। उसके बाद देखें यहाँ बोल्ड है, इसे ज़रा मैंने मोटा कर दिया, इटैलिक फॉन्ट है, इस पर मैंने क्लिक किया, लिखा और ज़रा टेढ़ा हो गया। अब अगर अंडरलाइन करना है तो इस पर क्लिक करें, अंडरलाइन पर, ये देखिए अंडरलाइन हो गया, ये देखिए अंडरलाइन हो गया। अब इसे अगर चेंज करना है, अंडरलाइन हटाना है तो कैसे हटाएंगे, इसे सेलेक्ट करें और फिर से अगेन ये देखिए अंडरलाइन पे ही क्लिक करें, इस आइकन पे क्लिक करें, अंडरलाइन हट जाएगा। लाने के लिए भी इसी पे क्लिक करना होगा, हटाने के लिए भी इसी पे क्लिक करें। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे अलाइनमेंट है, अभी कहाँ है, लेफ्ट मेरे पेज के बाएं तरफ ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब अगर इस पे क्लिक करेंगे सेंटर्ड, ये देखिए पेज के बीचों बीच मेरा ये टेक्स्ट आ गया। यहाँ पर देखें अलाइन लेफ्ट, अब इसे राइट साइड अगर लाना है पेज का टेक्स्ट को तो इस पर क्लिक कर दें, ये देखिए राइट साइड पेज का राइट साइड में मेरा टेक्स्ट आ गया। और यहाँ पे जस्टिफाइज है, ये लेफ्ट हैंड साइड में ही रहता है, जब इसे क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट मेरा बाएं तरफ रहेगा। उसके बाद है यहाँ पे देखें लाइन स्पेसिंग, अभी कौन सा लाइन स्पेसिंग है, 1.5 लाइन के बीचों बीच अगर दो लाइन है, दो लाइन लिखा हुआ है तो इसमें स्पेसिंग हम दे सकते हैं। दूसरा है यहाँ पर नंबर, यहाँ पर देखिए टेक्स्ट को नंबर दे सकते हैं आप, यहाँ पर मैं टेक्स्ट का नंबर दे दिया, हटाना है नंबर, यहाँ पर देखो ऑन ऑफ हो गया। यहाँ पर देखें फॉन्ट कलर, उसके बाद बगल में है देखिए फॉन्ट कलर, यहाँ पे आप इस पर अब जो लिखावट है इसको अगर कलर करना है टेक्स्ट को, इसे सिलेक्ट करें, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे अलग अलग देखिए कलर्स हैं, यहाँ पे मैंने इसे यूज़ किया रेड, ये देखिए रेड आ गया। चेंज करना है कलर, अगेन इस पर मैंने क्लिक किया ब्लू, ये देखिए ब्लू आ गया। टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है, वहाँ पर देखें यहाँ पर हाईलाइट, अगर टेक्स्ट को अगर मैं ब्राउन को हाईलाइट करना है तो सिर्फ ब्राउन को मैं सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर देखें हाईलाइट बटन है, यहाँ से आप क्लिक करें, कलर चूज़ करें,
और आप इस टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। ये देखिए मेरा टेक्स्ट ये हाईलाइट हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखें बैकग्राउंड कलर, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं ग्रीन। ये देखिए पूरा बैकग्राउंड ग्रीन हो गया, देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया। अगर सपोज़ यहाँ पे देखें यहाँ पर नंबरिंग है, यहाँ पे बुलेट अगर देना है तो इस पर क्लिक करें, सिलेक्ट करें टेक्स्ट को और यहाँ पे आप बुलेट दे सकते हैं। इस मार्क को, ये फुल स्टॉप अपनुमा मार्क है उसे बुलेट कहते हैं, ये मैंने दे दिया। हटाना है किसी भी फॉर्मेट का, अगर आपको फिर से अगर मान लीजिए हाईलाइटेड हटाना है तो उस पर सेम हाईलाइटेड ऑप्शन पे जाएं, यहाँ पे नो फिल कर दें, यहाँ पे नो फिल हट जाएगा। आपको बैकग्राउंड हटाना है फिर से सिलेक्ट करें, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे नो फिल पे क्लिक कर दें, हट जाएगा। ये देखिए हट गया। अगर सपोज़ यहाँ पे कोई सा ऑप्शन आपके पास यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है तो सबसे एंडिंग पे जाएं, यहाँ पे एक बटन है इस पर क्लिक करें, यहाँ पे देखिए विजिबल बटन, यहाँ पे देखिए सब टिक मार्क किया हुआ है, यहाँ पे जो जो ऑन है, यहाँ पे आप जो आपको चाहिए यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं, वो फॉर्मेटिंग टूल बार में अटैच हो जाएगा, आ जाएगा विजिबल बटन्स के अंदर। क्लोज़ टूल बार कर दें तो क्लोज़ हो जाएगा। फिर से अगर आप फॉर्मेटिंग टूल बार चाहिए तो व्यू में जाइए, यहाँ पे टूल बार्स है, यहाँ पे फॉर्मेटिंग पे क्लिक करें, यह आ गया आपका फॉर्मेटिंग टूल बार। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हम किसी भी टेक्स्ट को टाइप करते हैं ओपन ऑफिस राइटर के अंदर, कैसे उसे फॉर्मेट करते हैं, कैसे उसका कलर चेंज करते हैं, कैसे साइज इंक्रीज करते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार के माध्यम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।